नमस्कार दोस्तों, मैं नवाब अहमद, जीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बरौली के रूपम छाप में पहुंचे हुए हैं, जहां कि कुछ लोग हमें दिखे रोड पे एक चुनावी मुद्दे पे बात करते हुए नज़र आए लोग। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इनसे जाने कि बरौली में अभी तक कितने नेता आए और किस तरीके से क्या काम किए। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। रुआ चुनाव बा अभी देखा जाता है कि बहुत सारा लोग प्रचार में अभी आ गए बा। अभी हाल में बरौली में बाढ़ भी आए रहुए, कैसन का नुकसान भैल रहु है, कैसे का रहुआ कहें। हमारा रूपन छाप पंचायत में पूरा गांव घेरा गए पार से। आज तक हमने के एगो पोलोथिन चौक नाम मिलल ना, अच्छा राहत के नाम पर सरकार कहते कि 6,000 रुपया देव, एक पैसा हमने के नाम मिलल आज तक ना। कितना लोग के घर गिर गए, कितना लोग के द्वार गिर गए, कितना लोग के मवेशी मर गए, कौन सहायता आज तक ना मिलल। केहू अधिकारी हमने के यहाँ नहीं खेल आवत, ना विधायक आवत रहे, ना एमपी आवत रहे, ना सरपंच। इसमें देखा जाए सरकार अभी हाल में कह ले कि 6,000 रुपया बहुत सारे लोग के अकाउंट में पैसा डाल दिले बा, तो क्या मैंने बरौली क्षेत्र में केहू के अकाउंट में पैसा आएल बा। बरौली क्षेत्र में तो नहीं जाना, लेकिन हमारा रूपन छाप पंचायत में केहू के नहीं खेल आज तक ले। अभी कागजे ना गई, अभी तो आवेदन ना भरा, अभी सी ओ बी डी ओ के डी एम साहब के ऑर्डर ना भैल, तो के हम क्या करी सर। 2020 में चुनाव बा, केकरा वोट देवे के मन बने ले बनी। अब वोट तो देवे के हमने के मन बीजेपी के बनावत नहीं सन, लेकिन अब वो का करी का ना करी, ओकरा बाद वोट आई तेहन सोचे सोच केकरा के देव सन केकरा के ना देव सन। यही बेरा कह दी सन कि दे देव सन बीजेपी के, आँ वो का करला हमने के, वो तो कुछ नहीं कर बीजेपी ने बा अगर कहना नीतीश कुमार के संगे तो का कह ले हमने के संगे कुछ नहीं कर। तो जौन अभी नुकसान भइल बा, सारा धान के फसल रहुए, गन्ना के फसल रहुए, ये सब नुकसान भइल बा, तो नुकसान के का सरकार द्वारा जो मुआवजा मिलेला का कुछ मिलल बा कि ना मिल। कुछ नहीं के मिलल, पेपर में लिखत ला कि इतना हेक्टेयर के इंक्वायरी करे आवत ला, केहू देखे आवत ला, आज लेके ग्यारह आइल बा, ना बी डी ओ आइल बड़े, ना सी ओ आइल बड़े, ना डी एम जी आइल बड़े, केहू तो इंक्वायरी करके आएल कितना तार फसल दहल बा, बिना देखले केहू दी हमनी के। जोन घर डूबल रहे वो लोग कमेटी किचन खुलल रहे, तो क्या खाना जो टाइम से लोग के मिले के चाहिए, खाना टाइम से मिलते रहे कि ना। वो खाना तो लोग जहाँ जहाँ मिले, जैसे गाँव में पानी ढुकल बा, जरा घर में पानी ढुकल बा, लोग खाना तो मिलल बा, मिलत अभी तक ले। हाँ ये बात बा, खाना मिला। ऐसे में देखल बहुत सारा क्षेत्र बा जहाँ नाव के जरूरत बा, नाव के फैसिलिटी मिले के चाहिए, तो अभी ले ना मिलल है, तो वो सब खरीद का कहें। वो नाव के खाली नाम होला कि नाव 20 गो 25 गो 15 गो हर पंचायत में सरकार दे ली, लेकिन नाव केहू के चले ना, खाली अलाउट होला नाव अपना घरे, नाव वाला अपना घरे लेके नाव बैठा रहेला, ओकर तनख्वाह ओकरा पैसा ब्लॉक से मिलेला, लेकिन नाव उ चलावेला ना, असल बात ये बा। आइए एक बाबा और हमारे बीच में है, उनसे बात करते हैं। अभी कौन सी बाबा, 2020 में चुनाव बा, केकरा के वोट देवे के बा बरौली में। हमनी के आत्मा कहते थे केहू के ना दिए, सब है आवत तो वह काम कर जाता। अभी ले बाढ़ आए रहुए, बाढ़ में कितना जनप्रतिनिधि रहो उनकी रोलों के बीच में आके रोलों के बीच में काम करो। नहीं खे आई अभी तक, इंक्वायरियो करो के नहीं खे आई उपन छाप पंचायत में। तो हर साल ही बाढ़ आवेला कि खाली यही साल आए? हर साल आवेला, 4 बरस से आवता। तो मैंने बांध जोन टूटेला, ये हर साल टूटेला, किंग आई पे का कुछ होला दरिया के, चाहे हर एक साल टूट जाता केहू ने खे आवत, सब फसल उनके दह गए दियरा से गाँव ले। सरकार के तरफ से जो मुआवजा मिलेला एको गो नहीं खे मिलत, जो प्लास्टिक वगैरह मिलेला, कुछ चूड़ा दही कुछ मिलेला, कुछ और नहीं खे आज ले मिलल। आई आई जानते हैं बाबा कुछ और भी कहना चाहते हैं, इनसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बाबा, क्या कुछ कहिएगा? और कुछ नहीं कहेंगे, चुनाव वोट तो दिए जाला तो केहू के तो मन बने होते हैं ना, वोट नहीं देवे के मुने करे के खाली नहीं देवे के केहू ना। तो माने गांव गाजी बोली जो पूरा गाजी हम भी कहां बनी, गांव के सब केहू के मनसा ये बा कि राउरे एगो मनसा बनल बा कि वोट नहीं देवे के। हम अपने मन से हाल जानते नहीं, तो मैंने काहे इतना नाराज बनी सरकार से, काहे नाराज बनी, काहे गाँव में रहता लू, काहे पाक में रहता लू, पानी में रहता लू। बरौली में देखा जाता है कि बहुत ऐसा लोग कहला कि विकास होके चाहिए, तो का कैसन विकास भइल बा अभी? भइल बा वहीं तोर कहीं कहीं लुटाते बल वहीं तो के पोथी गुने मिला ली। तो बाबा का कहना है कि आज तक सिर्फ विकास के नाम पर ना पोलथीन मिला है, ना राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो इनका गुस्सा है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे। आइए कुछ यहाँ के युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं।
2020 में चुनाव है जी, क्या कुछ कहेंगे 2020 में आपके बरौली में क्या कुछ काम होना चाहिए और किस तरीके से अभी क्या काम? पहली बात तो यहाँ पे कोई नेता अभी तक मिला ही नहीं कोई जिसको हम अभी उम्मीदवार बनाए। सब जीत का अपना पटना धर लेते हैं, अपना जो भी हो अपने बारे में सब सोचते हैं। तो बरौली हमेशा चर्चा में रहता है कि विकास 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 हो रहा है बरौली में, विकास हो रहा है, तो किस तरीके क्या विकास हुआ बरौली? इलेक्शन के पहले सब बोलते हैं विकास विकास, जब जीत के चले जाते तो अपना ही खुद विकास कर लेते हैं। ऐसे में गांव के लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि जो बांध इस बार टूटा, बांध टूटने के बाद से कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया उनको देखने के लिए, ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, आते रहते हैं अपना, जो जिसके वजह से दिखता है वैसे वैसे अपना इलेक्शन बनाने तो आते हैं। जैसे अभी 2020 में चुनाव है, जस्ट बगल में ही चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो किसको वोट देने का मन बनाया आपने? कभी भी अपने दिल की हाल किसी को दूसरे को बताया नहीं जाता, पहली बात तो कभी भी अपने दिल को हाल किसी को नहीं बताया जाता कि हम किसको देंगे, है कि नहीं? क्या इस बार सरकार बदलना है? बदलना है, 100% बदलनी है। तो कहीं कुछ बहुत सारे लोग इस गांव के लोग नाराज़ हैं कि जो काम होना चाहिए बरौली में, जो काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो विकास हुआ नहीं है। नवाब अहमद, GPL न्यूज़, गोपालगंज। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही, हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तो अभी मैं मौजूद हूँ बरौली विधानसभा अंतर्गत रूपनछक गांव में, रूपनछक नया टोला में फ़िलहाल मैं अवेलेबल हूँ। तकरीबन 2-3 दिनों से यहाँ पानी कमा हुआ है, वरना बाढ़ पीड़ित इलाका है ये। बाढ़ का पानी पूरा घर के अंदर तक घुस चुका था, लोग काफ़ी परेशानी में थे। और यहाँ के लोगों से मुझे जानकारी मिली कि लोगों को खाना टाइम से नहीं मिल रहा था, खाने पे नालत थी और रहने की तो पूछिए ही मत। ऊपर से पानी थी, नीचे से पानी थी, हालात ख़राब था। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस महामारी के दौरान, एक तरफ तो कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ बाढ़ है, दोनों में ये लोग कैसे मैनेज करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा किए हैं और कैसे इनका लाइफ कट रहा है। और जो विधायक प्रत्याशी हैं, मुखिया हैं, उनके बारे में इनसे जानते हैं, यही असली दर्द बयां कर सकते हैं। तो चाचा, आपका नाम क्या है? लाल किशोर सा। लाल किशोर सा, आप इस गांव में हैं, अभी बाढ़ आया हुआ था? बाढ़ आया था, सब घर में भी पानी हो गया, सब चौकी पर पानी में, इतना लड़का और सियान और बच्चा बच्ची सब लोग चौकी पर था, छत पर था, हम लोग के देखने वाला नहीं है भाई। खाने वगैरह का काम कैसे चल रहा था? खाने वगैरह कौन सा ही काम चल रहा था, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, इतना समय थोड़े हम लोग बिताएंगे इधर उधर, तो बारिश से कहीं जा रहा ना इधर है। ये बताइए, कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया या फिर यहाँ के विधायक जी द्वारा कोई मदद मिली? क्या मदद मिली, एक पलिया मिला था, हाँ, और कुछ भी नहीं। और मान लीजिए खाना वाना बनता है तो कभी जा कर जाते हैं तो भी खाते हैं कभी कभी। अच्छा, हाँ। और इस गांव में क्या क्या तकलीफें उनके बारे में कुछ बताइए। सब कुछ की तकलीफ है यहाँ पे तो पहले पानी के चलते रोड में हमारा तकलीफ है, सब लोग इतना पानी हेल कर जाते हैं कुछ सर सामान खरीदने के लिए, साग सब्जी दूसर क्या खरीदेंगे, चाहे राशन बताइए। मैं खुद इस गांव में जब एंट्री किया तो घुटने तक की पानी थी, तो बाहर ही गाड़ी रख के सू रख के फिर पैंट वगैरह ऊपर करके फिर मुझे एंट्री करना पड़ा। तो क्या मतलब यहाँ के लोगों से ज्यादा, यहाँ आने के लिए कहीं रास्ता नहीं है? नहीं है, हाँ? नहीं, यहाँ रास्ता नहीं है, नहीं है, बस यही है, कोई रोड नहीं है, कोई रोड नहीं है, टोले भर है, थोड़े दूर घर लगता है ना, वहाँ से यहाँ तक ले। वो अपना चंदा लगा के बनाए हैं, वो भी ये चंदा लगा कर बनाया गया, ये सरकारी फंड नहीं है? नहीं है, सरकारी फंड खाली बनवाए हैं अपने मोहल्ले में, चंदा लगा करके सब यहाँ से वहाँ तक ले, आगे भी गढ़ा है, इधर भी गढ़ा है, सुबह को डिलीवरी होने वाला होता है तो नहीं जाते हैं कोई बच्चे लेके, इधर भी ना कोई जनानी जाने का सुविधा है, ना कोई बच्चे को लेके जाने का सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है टोले में, ना कोई मुखिया, ना सरपंच, ना कोई विधायक है, कोई भी यहाँ नहीं आते हैं, कोई भी नहीं देखने के लिए आता है किसके घर क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कोई नहीं आया बाढ़ में। मतलब आपने अभी कहा कि अगर किसी का डिलीवरी मतलब बच्चा होने वाला रहता है फिर आप लोग कैसे उस टाइम में तो लेके जाते हैं? नैहर लेके चले गए, उसका भी बहू है तो वो भी नैहर चली गई, बाढ़ जिस दिन आया था वो अपने भाई को बुला करके 11 बजे रात को गाड़ी लेके गई,
यहाँ से? हाँ यहाँ से, मतलब अभी जब बाढ़ आया था तब की बात? अभी भी बाढ़ आया तो आदमी गर्दन पानी, जेठानी के पतोह थी अभी गई है, एक दया और एक थी तो वो भी चली गई, वो भी सुनी कि 3 दिन के बाद है तो वो भी चली गई अपने नैया। यहाँ एक चाची मुझे दिखे जिनके आंखों से आंसू टपकते हुए मुझे नजर, उनकी परेशानी जानते हैं, क्या बात है चाची, क्या हुआ है? ये क्या हुआ है, ये जाए के रास्ता नहीं, खाए के सुविधा नहीं, खे कोनो बात के सुविधा नहीं, के कोई पूछे वाला नहीं, के मुखिया सरपंच कोई नहीं, के पूछे वाला जे कैसे खाता रह, कैसे रहता रह लोनी, भाई बूढ़ पुरानी हो कहूँ खाए के लिए बुता शक्ति बात, जब हमने खाना पाखा तो देजा के लिए गिरे खातिर इतना बात ले जाई, आ राशन होले नहीं खे, राशन होने आवता हमारा खातिर होले नहीं खे, कोई खातिर नहीं खा मिलता, ओ में काट छपट के लोग तिरपालो मिल रहता, काट छपट के लोग देता, राशन कार्ड बनल बा, राशन कार्ड नहीं खे मिलल, तो राशन के मिलता लोग माने जेकरा जेकरा मिलल बा ओकरा के दे तलु, आधा आदमी के दे तलु, आधा आदमी के नहीं खेलो दे। अच्छा। आ हमरा के तो सफ है नहीं खेल, अभी सरकार कहले, मतलब सरकार से निर्देश आई रहा कि जे कोरोना वायरस के संक्रमण चलता वो बीच में सबका के राशन देवे के बाद जेकर कार्ड बाकरों के दे नखे मिलल बाबू हमरा के एक आदमी के, मतलब इनका कहना है कि जब COVID-19 का संक्रमण में सरकार का निर्देश दिया गया था जिसका राशन कार्ड नहीं भी है उसको भी राशन देना है, और उस टाइम में भी इनको राशन नहीं मिला है, उसके बाद जिस जो कार्ड धारी हैं उनके सिर्फ एक परिवार के एक शख्स को ही राशन मिलता है। हम दे दी राशन कार्ड, हम राशन दे दी, आज ये बांटो तो सेगर लग जाता, तो कहते रहे एक आदमी को बताए, एक आदमी फिर राशन कार्ड बनावे के प्रक्रिया फिर चालू भइल बा, ई बात के जानकारी बा? ना नहीं है। तो मुखिया से कहो संपर्क नहीं है कुली बात के लेके, मुखिया से तो कुछ ना की कह सकते, टोला का चक्कू ना तो वो इतना 5 किलो मिला लको फिर दलालू ना दलालू मतलब मुखिया जी कभी कभी लिख के देबो करलन तो जे राशन देवे वाला बा ना देला, ना देला कबो देला कबो ना देला। तो खेती होती बा कुछ कैसे गुजारा केंगा हो लगी जाकर लोग खेता में बाबू लोग टोला में उन्हें जाला लो, उन्हें जाला लो, कहीं कहीं जाला लो। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब मतलब सोचिए कि फिलहाल बेरोजगार हैं, ना खेत है जमीन है, ना खेती करके अपना गुजारा कर पाते हैं। अब इनसे जानते हैं क्या बिजनेस है, कैसे कर लेते हैं ये लोग, अब इनसे ही जानते हैं। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, अभी कोरोना वायरस का संक्रमण से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सरकार ने निर्देश दिया था कि राशन कार्ड जिसका नहीं भी है उसको भी खाद सामग्री का मतलब देना है, उनको राशन वितरण करना है, और उसके बाद भी जो राशन कार्ड धारी है उनको तो देना है, क्या आप लोगों को मिला था? राशन मिल तो काम चल जाए, मतलब यहाँ किसी को राशन नहीं मिला है। अभी जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं कैसे, इन लोगों का गुजारा कैसा होता है? आप कोई जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं? नहीं नहीं कोई। आपका गुजारा कैसे होता है? गुजारा कैसे होता है, बाहर रहते थे पहले, अभी 6 महीना से घर बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है। तो कैसे गुजारा, कैसे खाने पीने का खर्चा होगा, परिवार चलाने का जिम्मा होगा, कैसे चलता है? ऐसे जो है ना वही बनाते हैं, चावल बनाते हैं, हाँ मजदूरी करते हैं। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को काम नहीं मिला होगा, बाहर नहीं गए होंगे। लॉकडाउन में सरकार ने एक अपना योजना निकाला था, जो बेरोजगार हैं उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, मासिक पैसे आएंगे, तो इसका किसी कोई लाभुक हुआ है इसका? नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है, पैसा एक भी पैसा नहीं मिला। हम लोग लिख जयपुर रहते थे, वहाँ का सब लोग बोला कि लिखा पढ़ी करके आए, तब बोला कि पैसा भेजेंगे, एक भी पैसा नहीं मिला, सब पैसा उधरी रह गया, कोई पैसा वैसे नहीं दिया, नहीं यहाँ मिला ना वहाँ से मिला, एक भी पैसा नहीं मिला किसी को। आप लोग मतलब बेरोजगार हैं फिलहाल, यहाँ गुजारा कैसे हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। कमा के कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, गोपालगंज हो गया, घर बन रहा है, कोई दिल्ली जाता है, कोई पंजाब जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, कोई काम नहीं है। आप लोग ये सब बात कभी अपने स्थानीय विधायक के पास बताए हैं? इतनी सारी सब जन प्रतिनिधि लोग को बताए हैं हम लोग, वो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इधर आता भी नहीं है हम लोग का हाल चाल जानने के लिए। फिलहाल हम लोग अपने आप पे अपने पे भरोसा करके जी रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, वोट आप लोगों ने दिया है या नहीं?
यहाँ कितने लोग वोट दिए हैं वो बताइए। सभी वोट दिए सबको, सभी वोट दिए किसको वोट दिए? मुखिया बोलते हैं ना कि ये नए टोला का कोई हमको वोट नहीं दिया, मुखिया बोलते हैं रामप्रीत चौधरी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए जब आप, अच्छा ये महामारी खत्म हो जाता है तो चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो चुनाव में वोट देना है तो किसको देना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? आप युवा हैं, आप बताइए। वोट तो सर मैं पहले उनसे जवाब करेंगे कि आप मेरे लिए क्या किए हैं 5 साल में, आपके पास जो जाते हैं किसी कमी के लिए तो आप कहते हैं कि मुझे वोट नहीं देते हैं, जिसके पास जाते हैं वो कहता है कि तू वोट दिया है तेरा काम कैसे होगा, यही सब जवाब देता है। तो मैं हम लोग किसको वोट देंगे जिसके दिए हैं वो मानता ही नहीं कि तू, तो मतलब इस बार चुनाव में वोट आप देने वाले हैं तो किसको देंगे ये बताइए? वोट तो अभी फिलहाल में किसी को नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे सबको, वोट का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे किसी को वोट नहीं। जी बिल्कुल, किसको देना है किसना सोचेंगे और सोचना करेंगे कौन हमारे लिए कर रहा है उसी को देंगे। ये थी कुछ खास बात यहाँ के गांव के लोगों के साथ, गांव के हालात क्या हैं इसके बारे में आपने जाना, जनप्रतिनिधि कैसे हैं इनके बारे में आप लोगों ने जाना। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।